नमस्ते। इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, किस तरह से रिएक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारा टॉपिक होगा और एक्चुअली हमें मेन फोकस हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल के फॉर्म में कि RMZX दिस इज वेल नोन एग्जाम्पल, इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। जहाँ तक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स प्रोवाइड अ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम्स विच कैन रिएक्ट, जो रिएक्ट कर सकता है, विच कैन रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम टू फॉर्म अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम को प्रोवाइड करते हैं जो किसी दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं अगली लाइन में इसको बता रहा हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को फ्रॉम सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बहुत ही सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल से हम बना सकते हैं क्योंकि नए कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के फॉर्मेशंस होते हैं। नॉर्मली जैसे सपोज की कि आर जो होगा कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप या फिर आपका विनाइल ग्रुप हो और एम जो आपका मेटल है, तो नॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो ये जो होता है कार्बन एटम इसका जो होता है जिससे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है मेटल से, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है और ये मेटल के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह का आपको सिचुएशन देखने को यहाँ पे मिलती है। इसके बाद हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखने जा रहे हैं, पहली खास बात क्या है कि ऑर्गेनो, बहुत ही खास बात है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर यूजुअली कैप्ट इन सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये किसकी खास प्रॉपर्टी है? हम कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है तो उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लगते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव्स हैं ड्यू टू देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी, ऐसा लिख सकते हैं, ड्यू टू देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी। किसके साथ भाई इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी है? तो स्पेशली विथ वाटर, ऑक्सीजन एक्सेप्ट। तो ऑक्सीजन और H2O के साथ बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, इसलिए हम नॉर्मली इसे क्या करते हैं, नॉर्मली इसको हम जो है ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस में रखते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर इसके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में ध्यान दें तो स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ऑर्गेनोसोडियम
ऑर्गेनो सोडियम हो या फिर ऑर्गेनो पोटेशियम, ऑर्गेनो पोटेशियम, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो चाहे आप बात करें कि इसका ऑर्गेनो सोडियम की बात करें, ऑर्गेनो पोटेशियम की बात करें, तो ये जो कंपाउंड्स होंगे कैसे होंगे भाई, आयनिक कंपाउंड होंगे। वहीं पर हम देखें ऑर्गेनो लिथियम ले रहे हैं, अगर वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इधर देखिए सेकंड अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें कि भाई ऑर्गेनो 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 लिथियम एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम, अगर इसकी हम बात करें एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैव हैव अ सिग्मा बॉन्ड, ऐसा कर सकते हैं, हैव अ सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में भाई, बिटवीन बिटवीन कार्बन एटम एंड एंड द मैटर। तो अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनोलिथियम है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम है, जैसे ऑर्गेनो मैग्नीशियम का एग्जाम्पल हम गिरनार्ड में देखेंगे, तो वहां पर जो बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन और मेटल के बीच में, ऐसा। तो ये हम एक इसका देख सकते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं। प्रॉपर्टीज के साथ ही साथ इसका प्रिपरेशन प्रिपरेशन हम देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रिपरेशन में अगर हम देखें ऑर्गेनोलिथियम की बात अगर हम करें इस तरह के कंपाउंड्स का, ऑर्गेनोलिथियम या फिर ऑर्गेनो मैग्नीशियम कोई भी ले सकते हैं, प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन तो ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विथ लिथियम, कोई मैग्नीशियम हो सकता है, लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम मैटर, ऐसा। एंड हम कैसे इसे दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं हम अगर एग्जांपल लें तो डेट इज अ सी एस थ्री बी आर प्लस एल आई और एम जी, आपको जो मर्जी हो ले सकते हैं। यहाँ सॉल्वेंट्स का भी इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट्स में टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन हो सकता है या फिर आपका दूसरा सॉल्वेंट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, दूसरे सॉल्वेंट्स में डाइथाइल ईथर है। और आपको क्या दिखाई देगा, आपको जो रिजल्टेंट कंपाउंड है लाइक एल आई और एम जी के साथ क्या दिखाई देगा, इसकी बॉन्डिंग दिखाई देगी एंड ये हो जाएगा सी एस थ्री। मैं इसको दूसरे तरीके से लिख के दिखाता हूँ आपको कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेट इज अ सी एस थ्री और लिथियम या फिर मैग्नीशियम की बॉन्डिंग दिखा दीजिए एंड बी आर। तो इस फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो ये प्रिपरेशन का इसका तरीका है। यहाँ पे जो सॉल्वेंट्स हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट्स आर नॉर्मली एनहाइड्रस, अब मैंने नाम बताया था एनहाइड्रस डाइएथाइल ईथर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कहीं हम हेक्सेन का भी इस्तेमाल करते हैं या फिर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। तो ये सॉल्वेंट्स के फॉर्म में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, जरा सा हैलाइड की रिएक्टिविटी देख लेते हैं इसमें, हैलाइड रिएक्टिविटी, हैलाइड की रिएक्टिविटी देखते हैं। तो हैलाइड की रिएक्टिविटी का देखिए ऑर्डर क्या है, इसका जो ऑर्डर है ये इस फॉर्म में है, ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ऐसा।
इसके एक्टिविटी के आउटपुट को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ बातें हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। थैंक यू।